कैसे हंस रही है मुझे देखकर? हंस रही है मुझ पे? माँ, ये हंस नहीं रही, ये रो रही है माँ। हाँ माँ, ये रो रही है। हंस रही है, मैं बोल रही हूँ कि वो हंस रही है। माँ ये क्या कर रही हैं? आप संभालिए अपने आप को। संभालिए स्वयं को माँ, सचेत हो जाइए। मैंने उसे सूर्य पुष्प लाने भेजा था ना। कहाँ है गरुड़? बस थोड़ा सा और। नहीं बाबी माँ, अब टनिक भी और खाया तो मेरा पेट फट जाएगा। अच्छा अच्छा, बस अब और नहीं खिलाऊंगी। पर मैं क्या करूं, मुझे तुम्हें प्रेम करने का मन जो कर रहा है। संसार की सारी माएं अपना प्रेम भोजन के माध्यम से ही क्यों दिखाती है? अगर बच्चों को प्रसन्न करना है तो और भी तो कितनी तरह से किया जा सकता है। अच्छा जी, तनिक मैं भी तो जानूं, मैं तुझे कैसे प्रसन्न कर सकती हूँ? आप मुझे वो दे सकती हैं जिसकी इच्छा से मैं यहाँ तक आया हूँ। अच्छा जी, इस छोटे से बालक की क्या इच्छा है? सूर्य पुष्प। सूर्य पुष्प, वो तुझे क्यों चाहिए भला? असल में मुझे अपने लिए नहीं चाहिए, महारानी कद्रू के लिए चाहिए। महारानी कद्रू, वो तेरी विमाता है ना, तो फिर उन्हें ऐसे क्यों संबोधित कर रहा है? बड़ी माँ। बड़ी माँ नहीं, महारानी। क्योंकि उन्हें मेरा माँ कहना अच्छा नहीं लगता। कैसी विचित्र स्त्री है वो, तुझ जैसे प्यारे बालक के मुंह से माँ सुनना किस अभागन को अच्छा नहीं लगेगा? भाभी माँ, अब उनके बारे में ऐसे कठोर वचन मत कहिए ना। वो मुझे अपना पुत्र नहीं मानती तो क्या हुआ? पर मेरे लिए तो वो विमाता है ना, और किसी भी अपनी माँ के लिए मुझे ऐसे कठोर वचन बहुत बुरे लगते हैं। कितने अच्छे संस्कार दिए हैं तुझे तेरी माँ ने। आजकल तो लोग एक दूसरे की निंदा और बुराई करना चाहते हैं, पर तुझे कठोर वचन कहना तो दूर, सुनना भी पसंद नहीं है। संभव है कि सूर्य पुष्प पाकर बड़ी माँ को मुझ पर विश्वास हो जाए और वो मेरी माँ को दासता से मुक्त करने की मेरी विनती स्वीकार कर ले। मेरे पुत्रों के प्राण लेकर क्या लगता है, तेरा पुत्र जीवित बचेगा? वो चाहे अंतरिक्ष में हो या पाताल में हो, अपने पुत्रों की चिताओं पर काट रखने से पहले तेरे पुत्र को जीवित जलाऊंगी मैं। मैं नहीं जानती गरुड़ कहाँ है, पर इतना अवश्य जानती हूं कि ये सब उसने नहीं किया है। वो अपने भाइयों को कष्ट तक नहीं पहुंचा सकता, फिर उनके प्राण लेने का षड्यंत्र तो कल्पना से भी परे है। बार बार उस गरुड़ को हमारा भाई मत बोलिए। हम संबंधी नहीं स्वामी, और इसी चिड़ का परिणाम है ये। कहाँ है तू गरुड़? और यदि सूर्य पुष्प लेना है तो जाओ वहां जाके तोड़ लो। मैं सफल हो जाऊं इसका आशीर्वाद माँ और भाभी दोनों को देना होगा। केवल इस कार्य में नहीं, तू अपने हर लक्ष्य में सफल हो गरुड़, मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ रहेगा।
यदि मेरे भाइयों को मरणासन अवस्था में उसने नहीं पहुंचाया तो किसने पहुंचाया दासीमा? गरुड़ में अकेले पूरी असुर सेना को पराजित करने का समर्थ है, तो उसके होते हुए उसके स्वामियों पर आघात कौन कर सकता? प्रश्न सीधा है दासीमा, हमारे भाई गरुड़ के साथ अंतरिक्ष यात्रा पे गए, तो फिर वो गिरे कैसे? उत्तर दीजिए दासीमा, मुंह खोलिए। ये ऐसे नहीं बोलेगी। न जाने सर्पों की ये दशा कैसे हुई है, कहीं मेरे पुत्र पर भी कोई संकट ना आया हो, पर वो है कहाँ? वो यही है सूर्य पुष्प जिसके लिए मैंने इतनी परीक्षाएं दी, अब बस ये पुष्प देखकर बड़ी माँ प्रसन्न हो जाए तो ये सारी मेहनत सफल हो जाएगी। अरे ये पुष्प कहाँ लुप्त हो गया? इसे लेना इतना सरल नहीं है। हे प्रकृति देवी, आप भी तो एक माँ हैं, और ये बालक आपकी ममता का आवाहन करके ये निवेदन कर रहा है। ये फूल अपने लिए नहीं, एक माँ के लिए चाहिए। कृपया मेरी प्रार्थना स्वीकार कीजिए, बस एक फूल दे दीजिए। ये कैसी माया है, ये सूर्य पुष्प इतना लंबा कैसे हो गया? अब मैं इस पुष्प तक कैसे पहुंच पाऊंगा? इस फूल को लेना किसी बालक के लिए संभव नहीं है गरुड़। पक्षीराज, हम सब तुम्हें आज अरिमा और महिमा का वरदान देना चाहते हैं। महिमा वह सिद्धि है जिससे तुम अपनी कद काठी जितनी चाहो बढ़ा या घटा सकते हो। माता, एक बालक के लिए अवश्य ही संभव नहीं, किंतु वाल के ऋषियों के आशीर्वाद से मैं अपने कद को बढ़ा भी सकता हूँ, घटा भी सकता हूँ, और ये सूर्य पुष्प प्राप्त भी कर सकता हूँ। बस बस, मैं समझ गई कि तू कोई छोटा बालक नहीं है, पर मैं तुझे उसी रूप में देखना चाहती हूँ जिस रूप में मैंने तुझे पहली बार देखा था, नन्हे से प्यारे से बालक के रूप में। अब मुझे आज्ञा दीजिए भाभी माँ। इतनी आसानी से सूर्य पुष्प लेकर तुम नहीं जा सकते हो गरुड़, अभी एक और परीक्षा देना बाकी है। अब
अभी तो यहाँ कोई द्वार नहीं था, अचानक इतने सारे द्वार कैसे आ गए? मुझे शीघ्र से शीघ्र यहाँ से निकलना होगा, अन्यथा बड़ी मां क्रोधित हो जाएंगी। षड्यंत्र नहीं किया। भाभी माँ, ये क्या? क्या हुआ? एक के स्थान पर सात द्वार देखकर चौंक गया? सूर्य लोक का यही नियम है गरुड़, वापस जाने के लिए तुम्हें इनमें से सही द्वार चुनना होगा, नहीं तो तुम किसी और ही लोक में भटक जाओगे। ये सही द्वार का पता कैसे चलेगा? देह की सीमा होती है गरुड़, पर मन की कोई सीमा नहीं होती। देह की गति से कहीं तीव्र भागता है हमारा मन, देह की आंखों से भी कहीं अधिक देख पाती हैं हमारे मन की आंखें। इसलिए जब कभी तुझे लगे कि तू अपना मार्ग भूल गया है या अपने पथ से भटक गया है, तो अपनी आंखें बंद करके अपने मन में झांकना। तेरा मन तुझे अवश्य ही सही मार्ग दिखाएगा। हे परमपिता, सृष्टि के पालन करता, ये कठिन निर्णय लेने में मेरी सहायता कीजिए प्रभु। हे प्रभु, मैंने सही द्वार का चुनाव तो किया है ना? यही सही द्वार है गरुड़, भयभीत मत होना। ये भय के नहीं, दुख के आंसू है भाभी माँ। मैं द्वार को पार कर तो लूंगा और ये सूर्य पुष्प लेकर धरती पे भी लौट जाऊंगा, पर मेरा बचपन यही छूट जाएगा माँ। मेरे जन्म के बाद कुछ स्थितियाँ ऐसी आई कि मैं अपनी माँ और भाई के साथ सुखी जीवन बिता ही नहीं पाया, पर आज यहाँ आकर कुछ ही देर में मैंने अपना पूरा जीवन ही जी लिया माँ। आप सबकी बहुत स्मृति आएंगी मुझे माँ। मैं भी तुझे बहुत स्मरण करूंगी गरुड़, तेरे इस रूप के कारण न जाने कितने वर्षों के बाद मुझे अपनी ममता को फिर से जीने का अवसर मिला। हर माँ चाहती है कि उसकी संतान बड़ी हो और जीवन का दायित्व संभाले, पर उसके मन का एक कोना सदैव उन्हें अपने आंचल में समेटे रखना चाहता है। तेरे कारण वो आनंद फिर से पाया है मैंने। सदैव सुखी रहो गरुड़।
मेरा आशीर्वाद सदैव तेरे साथ है। वर्ष में एक बार अपनी केजुर उतारते हैं। ये प्रक्रिया उन्हें बहुत कष्ट देती और ये मैं जानती हूं केवल। पर जब वो केजुर वो त्वचा उनके तन पर चिपक जाती है ना, तो पीड़ा बहुत असहनीय होती है। तब वो अभागा प्राणी केवल और केवल मृत्यु की कामना करता है। मृत्यु आती भी है उसे, किंतु धीरे धीरे वो तड़प वो जलन जो आज मेरे पुत्र अनुभव कर रहे हैं, तेरे पुत्र ने दिए उन्हें। उनके तन पे जो भी घाव लगे हुए हैं ना, उसको उत्तरदायी तेरा पुत्र है। जितनी घाव मेरे पुत्रों के तन पर लगे हैं, उतनी ही घाव तेरे तन पर होंगे। जिस पीड़ा को सहने के लिए वो विवश हुए हैं ना, वही पीड़ा तू भी सहेगी। देख विंता, देख क्या दिख रहा है उनकी आंखों में। मृत्यु का भय, वही भय मैं तेरी आंखों में देखना चाहती हूँ। इस महल से जो आज मांस की दुर्गंध आ रही है ना, वही आज तेरे तन से आएगी। जितना मेरे पुत्र तड़पे हैं, उतना ही तू तड़पेगी आज। दीदी, ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही मेरे पुत्रों ने भी मुझे पुकारने का प्रयास किया होगा। उनके मुख से तो स्वर भी नहीं निकला होगा। तेरे मुख से स्वर निकलेगा, तू पुकारेगी, तू चिल्लाएगी, जलन की पीड़ा से चिल्लाएगी तू। तेरी चीत्कार पूरे ब्रह्मांड में गूंजेगी, किंतु किसी में इतना सामर्थ्य नहीं होगा कि तुझे मेरे प्रकोप से बचा सके। रोक जाइए बड़ी माँ।